गुरुध्रुव जिस वृक्ष पर चढ़ा था वो वृक्ष बिल्व वृक्ष था, जिसके नीचे एक प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ था। प्राणी के प्राण क्यों हरना चाहता है? इसने तेरा आखिर क्या अनिष्ट किया है जो तू इसके प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है? मैं जानती हूं आपका छोड़ा हुआ दीप लक्ष्य तक पहुंच कर खाली हाथ नहीं लौटता, किंतु आज मुझे देखने की बख्शा दी मुझे तुम्हारा वध करना ही है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चों का अनाथ मत करिए। तुम्हारे बच्चों की चिंता करके यदि तुम्हें छोड़ दिया तो मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। मेरे पति और बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बस मुझे इतना समय दे दीजिए कि उनसे एक बार मिलूं और कह भी हूं कि यही हमारा अंतिम मिलन है। भगवान के लिए मेरी ये विनती स्वीकार कर लीजिए। और तुमने छल किया तो तुम ना लौटी तो? मैं एक माँ हूँ, बच्चों की भूख का अर्थ समझती हूँ। मेरे छल के कारण आपके बच्चों का अनिष्ट हो ये मुझे कभी सहन नहीं होगा। मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी, ये मेरा वचन रहा। प्राणों के भय के आगे वचन झूठे पड़ जाते हैं, और फिर भूखे के सामने पकवानों से भरी थाली या शिकारी के सामने शिकार हो और वो उसे छोड़ दे, ये कैसे संभव हो सकता है? समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुम रो रही हो? नहीं, मुझे तुम पर दया आ रही है। दया? और मुझ पर? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे धाम से विमुख कर रही हूँ। घोड़ा घास पर दया करेगा तो खाएगा क्या? तुम शिकारी हो, यदि सामने आया शिकार छोड़ दोगे तो तुम्हारे परिवार का पेट कैसे भरेगा? तुम तुरंत चली जाओ यहाँ से, अन्यथा स्वभाववश हाथ में पकड़ा ये बाण चल जाएगा और तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। उस दशा में तुम्हारे परिवार वाले, तुम चली जाओ यहाँ से। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं भी करूंगी। घर में सबसे मिलने के उपरांत यही आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुझ पर भरोसा है या नहीं, मुझे तो अब स्वयं पर भी विश्वास नहीं रहा। तुम कुछ सोच रहे हो? नहीं नहीं, तुम शीघ्र जाओ और जल्दी लौट कर आना, मैं तुम्हारी यही प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद शिकारी जी, धन्यवाद। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये मेरे मन को क्या हो रहा है? दया, ममता, करुणा, मैंने तो इन भावों को पहले कभी नहीं जाना, कभी नहीं समझा। मुझे अपने आप को संभालना होगा। शिकार करना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। चिंता मत करो, अब तक तो वो घर पहुंच गई होगी और कुछ ही देर में पुनः यहां आती होगी, तब मैं उसका शिकार करूंगा। किंतु उससे पहले
अच्छा इतनी ही देर के लिए छोड़ दो कि मैं घर जाकर देखाऊं मेरी बहन पहुंच गई अथवा नहीं। मैं वचन देती हूँ कुछ ही देर में मैं स्वयं तुम्हारा बाण खाकर प्राण त्यागने के लिए तैयार होकर आऊंगी। कृपया मुझ पर विश्वास करो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी भी प्रतीक्षा में ही बैठा रहूंगा। करना पाप है किंतु कर्म नहीं करना भी तो पाप है, और तुम्हारा तो कर्म ही ऐसा है जो तुम्हें न चाहते हुए भी पाप का भागी बना देता है। किंतु आज से तुम्हें ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जो तुम्हें पाप और आत्मग्लानि के बोझ तले दबाता जा रहा है। प्रभु किंतु इतनी कृपा मुझ जैसे दीनहीन व्यक्ति पर क्यों?
क्यों प्रभु? आज महाशिवरात्रि है। आज के इस पावन दिन बिल्व पत्रों से मेरी पूजा करने के पुण्य के फल स्वरूप तुम्हारा यह कायाकल्प हुआ है, और तुम तीनों ने आज के इस पावन दिन अपना दिया हुआ वचन पूरा कर दिखाया। ये देवी रूप उसी का फल है। तुम्हें मृग योनि से अपनी स्वाभाविक देवी योनि प्राप्त हुई। ओम नमः शिवाय। पिताजी, तुम सब इस रूप में? ये सब तुम्हारी भक्ति का प्रसाद है। आज महाशिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करने के फल स्वरूप तुम अपने पूर्व पापों से मुक्त हो गए और श्रृंगवेरपुर के राजा बन गए। मैं और राजा? हाँ, अपने परिवार सहित वहां जाकर शिव आराधना को मन में उतार कर राज सुख का उपभोग करो। त्रेता युग में विष्णु के अवतार भगवान राम से तुम्हारी भेंट होगी और तुम उनके उत्तम मित्र के रूप में जाने जाओगे। जो आज्ञा भगवान शिव शंकर। समान रूप से विद्यमान ओंकार सत्य परमार्थ और पुण्य मुझे पाकर आकार प्राप्त करते हैं। असत्य स्वार्थ और पाप अपनी दुर्बलता के कारण मुझे अस्वीकार करते हैं। रोहिणी, अत्रि और अनसुया महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ करते हैं। तत्पश्चात चंद्र और रोहिणी समुद्र तट पर पहुंच पार्थिव शिवलिंग बनाकर शंकर जी की पूजा करते हैं। दक्ष महल, आश्रम तथा समुद्र तट पर निरंतर जाप से शिव शंकर प्रसन्न होते हैं। शंकर चंद्र से कहते हैं कि तुम प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में क्षीण होकर अमावस्या तक आकाश में अदृश्य हो जाओगे, किंतु मेरे वरदान के प्रभाव से शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक तुम्हारा प्रभाव बढ़ता ही रहेगा। रोग मुक्त होकर चंद्रदेव भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे ज्योति के रूप में भक्तों के कल्याणार्थ सदा यही विराजमान रहें। तभी से भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से वहां विराजमान हो गए। जब सर्वप्रथम भोलेनाथ ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, तभी से वो दिवस महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात हुआ। Ah
कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय। हे महेश्वर, आज कैलाश पर आकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ का कण कण आनंद का प्रपात बन गया। यहाँ की पर्वतमालाओं ने जैसे सत्य शिव और सुंदर का रूप धारण किया। हे महादेव, ऐसा अद्भुत दृश्य और प्रकृति का विलक्षण रूप कभी नहीं देखा। आज महाशिवरात्रि है देवर्षि, प्रभु शिवरात्रि की महिमा पर आप ही प्रकाश डालिए। सर्वप्रथम जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, वो मार्गशीर्ष मास में आद नक्षत्र से युक्त प्रतिपदा का समय था। सर्वप्रथम विष्णु और ब्रह्मा ने मेरे दर्शन किए थे और तभी से ये दिन महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात है। हे महेश्वर, इस शुभ दिन का महत्व बताने की कृपा करें। भक्तजन इस रात्रि को शिव कृपा पाने की इच्छा से हमारा पूजन करते हैं, किंतु ये इच्छा पूर्ण होना इतना सरल नहीं। क्यों प्रभु? जब तक हृदय में अज्ञान और अधर्म का साम्राज्य चलता रहेगा, ना तो शिव तत्वों का प्रकाश होगा, ना ही मन का अंधकार मिटेगा। स्वामी, ये शिव तत्व क्या है और इसकी महिमा क्या है? नारद, तुम तो शिव और विष्णु दोनों के ही परम भक्त हो। सती की इस जिज्ञासा का निवारण तो तुम ही कर सकते हो। अवश्य करूंगा महादेव, किंतु इस समय मेरा मन गुरुद्रु के व्यथा से व्याकुल है। गुरुद्रु? ये कौन है देवर्षि? एक आदिवासी भी, अभी अभी अपनी आंखों से उसकी व्यथा देखकर आ रहा हूँ। किंतु ये गुरुद्रु है कौन और इसकी व्यथा क्या है? कृपा करके मुझे भी बताइए ना देवर्षि। हे महेश्वर, इससे पूर्व कि मैं देवी सती को उस भील के संदर्भ में कुछ बताऊं, कृपया कर आप मुझे ये बताएं कि जो कुछ उस भील के साथ हो रहा है, ये सब कहीं आप ही की तो लीला नहीं? नारायण नारायण। परम ब्रह्म तत्व को जानने वाला ऐसा प्रश्न नहीं करता नारद। तुम सती की जिज्ञासा का निवारण करो। माता, गुरुद्रु एक आदिवासी भील है जो अरण्यों में रहकर पशु पक्षियों का शिकार करके अपने कुटुंब का पेट भरता है। आज मैंने अरण्य में क्या देखा कि गुरुद्रु एक हिरनी पर अपना लक्ष्य साधे उसके पीछे पीछे भाग रहा है। हिरनी की भागने की गति इतनी तीव्र थी कि बहुत प्रयास करने पर भी गुरुद्रु का लक्ष्य हिरनी पर नहीं लग रहा। देखते ही देखते हिरनी अदृश्य हो गई और गुरुद्रु हताश और निराश हो गए। न जाने हिरनी किस दिशा में चली गई है। इस पेड़ पर जाकर देखता हूं। गुरुद्रु जिस वृक्ष पर चढ़ा था वो वृक्ष बिल्व वृक्ष था, जिसके नीचे एक प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ था। गुरुद्रु, तू इस निरीह प्राणी के प्राण क्यों हरना चाहता है? इसने तेरा आखिर क्या अनिष्ट किया है जो तू इसके प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है? मैं जानती हूं आपका छोड़ा हुआ दीप
ही आभारी हूँ। मेरे पति और बच्चे आपके सदा ऋणी रहेंगे, आपके सदा ऋणी रहेंगे। नहीं नहीं, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है, मुझे तुम्हारा वध करना ही है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चों का अनाथ मत करिए। तुम्हारे बच्चों की चिंता करके यदि तुम्हें छोड़ दिया तो मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। मेरे पति और बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बस मुझे इतना समय दे दीजिए कि उनसे एक बार मिलूं और कह भी हूं कि यही हमारा अंतिम मिलन है। भगवान के लिए मेरी ये विनती स्वीकार कर लीजिए। और तुमने छल किया तो तुम ना लौटी तो? मैं एक माँ हूँ, बच्चों की भूख का अर्थ समझती हूँ। मेरे छल के कारण आपके बच्चों का अनिष्ट हो, ये मुझे कभी सहन नहीं होगा। मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी, ये मेरा वचन रहा। प्राणों के भय के आगे वचन झूठे पड़ जाते हैं, और फिर भूखे के सामने पकवानों से भरी थाली या शिकारी के सामने शिकार हो और वो उसे छोड़ दे, ये कैसे संभव हो सकता है? समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुम रो रही हो? नहीं, मुझे तुम पर दया आ रही है। दया? और मुझ पर? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे धाम से विमुख कर रही हूँ। यदि घोड़ा घास पर दया करेगा तो खाएगा क्या? तुम शिकारी हो, यदि सामने आया शिकार छोड़ दोगे तो तुम्हारे परिवार का पेट कैसे भरेगा? तुम तुरंत चली जाओ यहाँ से, अन्यथा स्वभाववश हाथ में पकड़ा ये बाण चल जाएगा और तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। उस दशा में तुम्हारे परिवार वाले, तुम चली जाओ यहाँ से। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं भी करूंगी। घर में सबसे मिलने के उपरांत यही आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुझ पर भरोसा है या नहीं, मुझे तो अब स्वयं पर भी विश्वास नहीं रहा। तुम कुछ सोच रहे हो? नहीं नहीं, तुम शीघ्र जाओ और जल्दी लौट कर आना, मैं तुम्हारी यही प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद शिकारी जी, धन्यवाद। पहले कभी नहीं जाना, कभी नहीं समझा। मुझे अपने आप को संभालना होगा। शिकार करना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। चिंता मत करो, अब तक तो वो घर पहुंच गई होगी और कुछ ही देर में पुनः यहाँ आती होगी, तब मैं उसका शिकार करूंगा। किंतु उससे पहले नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अच्छा, इतनी देर के लिए छोड़ दो कि मैं घर जाकर देखूं मेरी बहन पहुंच गई अथवा नहीं। मैं वचन देती हूँ, कुछ ही देर में मैं स्वयं तुम्हारा बाण खाकर प्राण त्यागने के लिए तैयार होकर आऊंगी। कृपया मुझ पर विश्वास करो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी भी प्रतीक्षा में ही बैठा रहूंगा।
पिताजी को ढूंढने गई है, आती ही होगी। भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लग रही है। बड़ी भूख लगी है। माँ 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 मा, मा, पिताजी नहीं आए। बेटा पूरा बन छान मारा, उनका पता कहीं नहीं लगा। मुझे तो शंका है कहीं तुम्हारे पिताजी किसी शेर चीते या भालू का शिकार न बन चुके हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं। लगता है वे दोनों नहीं आएंगी, मुझे मूर्ख बना के चली गई। अब प्रतीक्षा से कोई लाभ नहीं। नहीं, वो मुझसे कह कर गई थी कि तुम लोगों से मिलकर लौटेगी, किंतु लौट कर आई नहीं। लगता है अपने वचन से फिर गई है। मैंने सारा दिन उसकी प्रतीक्षा में गंवाया है। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, मेरी पत्नी मेरे लिए चिंतित होगी। अब मैं तुम्हें ही अपना लक्ष्य बनाता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना, किंतु इतनी विनती है, मुझे एक बार अपनी पत्नी से मिल लेने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे सामने बाल खाने के लिए सहज खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, तुम भी जाओ, किंतु शीघ्र आना, बहुत विलंब हो गया है। अब और प्रतीक्षा नहीं की जाती मुझसे। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, वो दोनों हिरनिया और ये हिरन तीनों ही सच बोल रहे थे। तीनों ही अपने वचन के पक्के हैं, वे आएंगे और अवश्य आएंगे। माना वो तीनों ही वचन के पक्के हैं, किंतु तेरा मन, क्या तेरा मन भी उतना ही पक्का है कि तू उन तीनों पर अपने बाण चला सके? क्यों नहीं, क्या आज मैं बाण पहली बार चलाऊंगा? आज तक मैंने कितने ही बाण चलाए और कितने ही पशु पक्षियों को तड़प तड़प कर प्राण त्यागते हुए देखा। शिकार करना मेरा कर्म है और उससे परिवार को पालना भी मेरा धर्म है। सत्य है, किंतु आज न जाने क्यों मेरे अंदर दया और करुणा के स्रोत फूट पड़े हैं। वाह, अगर दया और करुणा के स्रोत इस तरह फूटते रहे, फिर तो तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर चुके। मेरी समझ में नहीं आ रहा है आज मैं किस विचित्र से धर्म संकट में फंस गया हूं। प्रत्यंचा खींचते हुए मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? करना पड़ता है, अब आप ही बताइए प्रभु मैं क्या करूं।
यदि एक और जीव की हत्या पाप है तो दूसरी ओर जीवों को भूखा रखकर उन्हें मृत्यु की ओर ढकेलना भी तो पाप ही है। मैं कौन सा पाप करूं? या कोई भी पाप ना करूं तो क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन करिए भोलेनाथ, मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझ पापी का कल्याण कीजिए प्रभु। वो भील आंसू बहा बहा कर आपको पुकार रहा है, आपकी सहायता मांग रहा है, उसकी व्यथा का अंत कीजिए महादेव, उसका मार्गदर्शन कीजिए। देवी सती, तुम्हारा इस विषय में क्या विचार है? अपने कर्म को विसार कर, अपने परिवार जनों को कष्ट में डालकर क्या वो भील ठीक कर रहा है? वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा है स्वामी, उसके स्पर्श से अनजाने में जो बेलपत्र आपके लिंग पर गिरे हैं, इसी कारण उसका हृदय परिवर्तित हो गया है। वो क्रूर से दयालु बन गया है, वो विवश कहीं का नहीं रहा। देवर्षि उचित कह रहे हैं प्रभु, अब आप ही उसका मार्गदर्शन करें और उसे धर्म की राह पर लगाएं। माता, प्रभु ने मेरी विनती सुन ली, मेरी प्रार्थना सार्थक हुई, अब उस भील का उद्धार अवश्य हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। मुझे सद्बुद्धि दो भगवान, मुझ पर दया करो, मेरा कल्याण करो प्रभु, मेरा कल्याण करो भोलेनाथ। मरना स्वीकार है, किंतु तुम निर्दोषों की हत्या करना नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ। दर्शन दिए हैं, इस अत्यारे पापी पर इतनी कृपा क्यों? मैं इसके योग्य नहीं प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं। गुरु ध्रुव, हत्या करना पाप है, किंतु कर्म नहीं करना भी तो पाप है, और तुम्हारा तो कर्म ही ऐसा है जो तुम्हें न चाहते हुए भी पाप का भागी बना देता है। किंतु आज से तुम्हें ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जो तुम्हें पाप और आत्मग्लानि के बोझ तले दबाता जा रहा है। प्रभु, किंतु इतनी कृपा मुझ जैसे दीनहीन व्यक्ति पर क्यों? क्यों प्रभु? आज महाशिवरात्रि है, आज के इस पावन दिन बिल्व पत्रों से मेरी पूजा करने के पुण्य के फल स्वरूप तुम्हारा ये कायाकल्प हुआ है, और तुम तीनों ने आज के इस पावन दिन
अपना दिया हुआ वचन पूरा कर दिखाया। ये देवी रूप उसी का फल। तुम्हें मृग योनि से अपनी स्वाभाविक देवी योनि प्राप्त हुई। ओम नमः शिवाय। पिताजी, तुम सब इस रूप में? ये सब तुम्हारी भक्ति का प्रसाद है। आज महाशिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करने के फल स्वरूप तुम अपने पूर्व पापों से मुक्त हो गए और श्रृंगवेरपुर के राजा बन गए। वे और राजा? हाँ, अपने परिवार सहित वहां जाकर शिव आराधना को मन में उतार कर राज सुख का उपभोग करो। त्रेता युग में विष्णु के अवतार भगवान राम से तुम्हारी भेंट होगी और तुम उनके उत्तम मित्र के रूप में जाने जाओगे। जो आज्ञा भगवान शिव शंकर, जो आज्ञा। तुम तीनों दिव्य धाम के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा प्रभु। गुरु ध्रुव, महाशिवरात्रि के दिन तुमने शिव आराधना करके शिव भक्तों के अध्याय में अपना नाम अमर कर दिया है। जो भी शिव भक्त महाशिवरात्रि के दिन तुम्हारी ये कथा सुनेगा उसे वो सारे पुण्य प्राप्त होंगे जो तुम्हें हुए हैं। कल्याण भव। शिव कृपा से इस प्रकार गुरु द्रोह, उनकी पत्नी और दोनों बालकों ने श्रृंगवेरपुर राज्य की ओर प्रस्थान किया। ओम नमः शिवाय। श्रृंगवेरपुर नरेश महाराज गुरु द्रोह की। 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 महाराज, श्रृंगवेरपुर की प्रजा आप जैसे शिव भक्त को अपने राजा के रूप में पाकर अति प्रसन्न है। महामंत्री जी, ये सब भगवान शिव की कृपा का फल है। हम चाहते हैं हमारी प्रजा निरंतर भगवान शिव की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त करती रहे, जिससे कभी किसी को कोई कष्ट ना हो। अवश्य महाराज, सारी प्रजा में ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र की गूंज उठ रही है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। महामंत्री का कथन अत्यंत सत्य है महाराज। महाशिवरात्रि की रात्रि को आपके मन में जो शिव भक्ति की ज्योति प्रकट हुई थी, उसी के प्रभाव से आपको ये शिव भक्त प्रजा और श्रृंगवेरपुर राज्य प्राप्त हुआ है। ओम नमः शिवाय। मुझे सब स्मरण है देवर्षि। मुझे ये भी स्मरण है कि उस रात आप ही ने मुझे बिल पत्र के पेड़ पर बैठे देखा था और नारायण नारायण। और मैं वहां से सीधा शिव सती के शरण में कैलाश पहुंच गया था। राजन, आप अत्यंत भाग्यवान हैं। महाशिवरात्रि के दिन आपके हाथों हुई शिव भक्ति और पशुवत से विरक्ति के कारण शिव भक्ति में और उसके इतिहास में आपका नाम अमर हो गया है। स्वयं शिवजी और माता सती आपकी शिव भक्ति की प्रशंसा करते हैं। ये सब आपकी कृपा है देवर्षि। मेरी नहीं राजन, भोलेनाथ की कृपा है। और जब भोलेनाथ की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। राजन, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। कौन सा रहस्य देवर्षि? युगों युगों तक आप श्रृंगवेरपुर पर राज करेंगे। शिव भक्ति से प्राप्त सिद्धि के कारण आपकी आयु अपरिमित होगी। आप त्रेता युग में भी जीवित रहेंगे। क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैं त्रेता युग में भी जीवित रहूंगा? हाँ राजन, भगवान विष्णु जब त्रेता युग में राम का अवतार लेंगे तब आप उनकी सहायता करेंगे और राम भक्त के रूप में आपका नाम अमर हो जाएगा। धन्य है देवर्षि, आप सचमुच धन्य है। आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। नारायण नारायण। मैं तो शिवजी का छोटा सा सेवक हूँ। उपकार तो आपको भोलेनाथ का ही मानना होगा राजन, क्योंकि उनकी इच्छा से ही आपको शिव भक्ति प्राप्त हुई है। और इस उपकार का ऋण चुकाने के लिए आपको अपने राज्य में स्थान स्थान पर
शिव मंदिरों का निर्माण करना होगा, जिससे शिव भक्ति की गूंज संसार में गूंज उठे। ऐसा ही होगा देवर्षि, ऐसा ही होगा। हम राज्य के कोने कोने में शिवालयों का निर्माण करवाएंगे और हर शिव पर्व पर उत्सव मनाएंगे, और ये सब भोले शंकर की कृपा से होगा। ओम नमः शिवाय। राजन, जानते हो इसी ओम नमः शिवाय के प्रभाव से वो हिरण और हिरणी कहां पहुंच गए जिन्हें आपने प्राणदान दिया था? नहीं देवर्षि, बताइए वे कहां हैं? महाशिवरात्रि को अपना वचन निभाने और शिव भक्ति में सहयोग करने के कारण वे पशु योनि को त्याग कर सीधे स्वर्गलोक पहुंच गए हैं। स्वर्गलोक में? हाँ राजन, अब मैं स्वर्गलोक पहुंचकर उन्हें भी ओम नमः शिवाय की महिमा सुनाऊंगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ की लीला ब्रह्मा है, बोलो ओम नमः शिवाय।